थ्री एसोसिएट ओडीआई बॉलर्स। जी हाँ, ये वीडियो हमने कल डाला था और आपसे वादा किया था कि आज बात होगी टॉप फोर ओडीआई एसोसिएट ऑलराउंडर्स के बारे में। जी हाँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है ऑलराउंडर्स की, जहां तक बात करें, इसलिए हमने टॉप थ्री कैटेगरी को टॉप चार किया है। तो अगर आपने ओडीआई बॉलर वाला वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे एक वीडियो आ रहा होगा, उसमें अभी जाइए और उस वीडियो को भी देखिए, उसके बाद ऑलराउंडर्स का भी कैटेगरी देखिए। आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे चार ऑलराउंडर्स के बारे में। जब हमने ऑलराउंडर्स की सारी स्टैटिस्टिक्स निकाला, सारे प्लेयर्स का जो एसोसिएट प्लेयर्स हैं उनमें काफी नाम आए, रोहन मुस्तफा आए, पारस खड़का आए, और ये असद वाला आए, आकिब इलियास, जीशान मकसूद, और भी एक प्लेयर का नाम बता रहे, अंशुमन रिटायर भी हो गए हैं जी हाँ, और स्कॉटलैंड के रिची बैरिंगटन। जी हाँ, रिची बैरिंगटन। तो काफी सारे नाम हमारे सामने आए थे, सबके हमने स्टेट्स एनालिसिस किया, एवरेज किए, बहुत ऑलराउंड। जी हाँ, काफी सारे इन्फॉर्मेशन निकाले। उसके बाद एट द एंड हमने ये घोषित किया कि ये चार ऑलराउंडर सबसे बेस्ट इस वक्त चल रहे हैं। जी हाँ, सारी चीजें आपको देखनी होंगी, पहले बैटिंग, बॉलिंग, एवरेज, इकोनॉमी, इन सब पैमानों पे जो खड़े उतरे हैं पूरी तरह से, वो ये चार ऑलराउंडर हैं। लेकिन इन चारों में से भी सबसे बेस्ट ऑलराउंडर कौन है, ये जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले बात कर लेंगे चार ऑलराउंडर्स के बारे में एक एक करके। तो यान, मैं चाहूंगा आप शुरू करें सेक्शन। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं जीशान मकसूद। जी, ओमान के क्रिकेटर हैं, जीशान मकसूद की बेहतरीन ऑलराउंडर है, कोई इसमें दोहराने की बात नहीं है। उन्होंने 11 मैच खेले हैं अब तक जीशान मकसूद ने, और 253 रन मारे हैं। ओडीआई की हम यहाँ बात कर रहे हैं, 28 का एवरेज है। इसके साथ साथ उन्होंने 11 मैचों में 20 विकेट निकाले हैं, और इसी के साथ अंडर 4 का 3.5 करीब का उनका इकोनॉमी है, और बॉलिंग एवरेज वाकई में शानदार है, 17 का बॉलिंग एवरेज है। बेहतरीन यहाँ पे उनका बॉलिंग एवरेज देखने में मिलता है, अगर आप सर्च करेंगे आपको ये मिलेगा, और जो हमने देखा है वाकई कमाल की। जीशान मकसूद ये हो गए पहले कंटेंडर। अब बात करते हैं दूसरे कंटेंडर की। जी हाँ, ये आते हैं नेपाल से, पारस खड़का। जी हाँ। बहुत लोग इन्हें नेपाल का बैकबोन भी कहते हैं, और बिल्कुल ये है भी, क्योंकि नेपाल में क्रिकेट में बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान पारस खड़का का है। बिल्कुल। और इनकी अगर बात करें तो ओडीआई में इन्होंने 10 मैचों में 315 रन मारे। जी हाँ, बैटिंग में शानदार परफॉर्मेंस, 35 का इनका एवरेज है। ये इसी के साथ साथ बॉलिंग में उन्होंने 10 मैचों में 9 विकेट निकाले हैं, लेकिन इकोनॉमी जबरदस्त, 3.9 की इकोनॉमी और 27 का एवरेज। तो ये भी कहीं ना कहीं खर्च नहीं करना चाहते, आसानी से अपने बैंक से निकालते नहीं। बहुत अच्छी। अब बात करते हैं तीसरे कंटेंडर के बारे में। वो सच में उस देश और उस क्रिकेटर के बारे में तो शायद ही किसी ने सुना हो, इनके बारे में भी हम आज आपको बात करेंगे, इनकी अचीवमेंट्स को आपके सामने रखते हैं। बिल्कुल, देखिए ये पपुआ न्यू गिनिया की कप्तान जी असद वाला। जी हाँ, ये वो है, आप नहीं जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, और ये तब से कप्तान है, इनको बहुत पहले से ही कप्तान बना दिया गया है, और 27 मैच इन्होंने खेले हैं अब तक पपुआ न्यू गिनिया के लिए, 740 रन मारे हैं, और 27 का इनका एवरेज है, बैटिंग एवरेज। अब बॉलिंग, जी ऑलराउंडर है, टीम के बहुत बड़े ऑलराउंडर हैं ये असद वाला, इन्हीं की बात करें 27 मैचों में 27 विकेट। जी हाँ, और इकोनॉमी लाजवाब, 3.70 की इकोनॉमी है, बेहतरीन इकोनॉमी, इकोनॉमी कहीं ना कहीं पारस खड़का से आगे निकल। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन, ये भी रन खर्च नहीं करना चाहते, देना नहीं चाहते, जबरदस्त बॉलिंग एवरेज, वो 24 का है। जी हाँ, धमाकेदार है। अब यहाँ पे बात आती है चौथे कंटेंडर की। ये तीन कंटेंडर हो गए, चौथे कंटेंडर आकिब इलियास फ्रॉम ओमान। जी हाँ, इनके बारे में क्या कुछ कहें ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले कंटेंडर्स की आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। इन्फॉर्मेशन के साथ एनालिसिस करने का ही मजा है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अधूरी दी जाए तो उस वीडियो का कोई मतलब नहीं। आकिब इलियास 11 मैचों में 621 रन, सिर्फ 11 ओडीआई मैचेस में 621 रन, 70 करीब का इनका एवरेज है, स्ट्राइक रेट 80 का। इसी के साथ साथ बॉलिंग में 11 मैचों में 16 विकेट। जी हाँ, जो जिसका 70 का एवरेज ओडीआई में, वो 16 विकेट भी ले चुका है, और इकोनॉमी 3.7 की एवरेज, चारों में सबसे बेस्ट, सिर्फ 12.6 का। ये है आकिब इलियास, चौथे कंटेंडर बनते हैं। मैंने तो नहीं सुना अभी फिलहाल, कोई है ऑलराउंडर इतना बड़ा
जी हाँ नहीं बताएगा कोई, कोई नहीं बताएगा आप लोगों को कि ये ऑलराउंडर हाँ। है इस दुनिया में। जी हाँ, आपको बेन स्टोक्स, जडेजा और साकी भी चारों तरफ नजर आएंगे, लेकिन इस ऑलराउंडर के बारे में कोई बात नहीं करता जिसका 12 का एवरेज है ओडीआई क्रिकेट में। 10 प्लस मैच खेले हैं लेकिन 12 का एवरेज लाजवाब। बिल्कुल, अगर इनको मैचेस मिलेंगे बिल्कुल धमाकेदार होगा, धमाकेदार होगा। आप सोचिए 11 मैचों में इसके 700 करीब रन है, यानी ये अगर इसी एवरेज से खेलते रहे तो 15 मैचों में 1000 रन का कैलेंडर ईयर हो जाएगा इनका, सिर्फ 15 ओडीआई मैचों में। सोच के देखिए, खैर ये 5 कंटेनर्स की बात हो, 4 कंटेनर्स की बात होगी, माफ करिएगा, इन 4 कंटेनर्स में सबसे बेस्ट कौन से हैं? जी हाँ, जो सबको सब पे खड़े उतर रहे हैं और सबसे बेहतरीन कर रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेंगे कि टॉप बॉटम फोर में कौन से हैं, यानी चौथे नंबर और तीसरे नंबर पे कौन से हैं। तो आपको बता दें कि चौथे नंबर पे जो हमने रखा है वो है असद वाला। जी हाँ, चौथे नंबर पे हमने असद वाला को रखा है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस रहा है, ठीक ठाक रहा है, उनका एवरेज भी ठीक है, 27 मैचों में 27 विकेट है। चौथे नंबर पे असद वाला होते हैं क्योंकि उनका बैटिंग में मेरे ख्याल से थोड़ा और अच्छा कर सकते थे। आप कप्तान हैं तो आपको एक जिम्मेदारी होती है कि आप 27 मैचों में थोड़ा और बेटर परफॉर्म कर सकते थे क्योंकि आप एज अ कैप्टन टीम में खेल रहे हैं। तीसरे नंबर पे यहाँ पे हम रखना चाहेंगे पारस खड़का को। जी हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पारस खड़का ही तीसरे नंबर पे आएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैचेस में इनके विकेट्स हैं कहीं ना कहीं वो थोड़े, यानी कि उनका जो बैटिंग ऑलराउंडर वो ज्यादा है बॉलिंग ऑलराउंडर के मुकाबले। तो इनसे ऐसा भी हो सकता है आने वाले टाइमों में हम देखेंगे कि या किया भी होगा उन्होंने बिल्कुल, कि उनसे ओवर इतना ना देके उनसे कहा होगा आप बैटिंग करिए। जी हाँ, ज्यादा ओवर नहीं कराए हैं, दो वनडे में 5 या 4 ओवर कराए होंगे, उसके बाद आप बैटिंग करिए, तो ऐसे नहीं होता अगर आप प्रॉपर एक ऑलराउंडर। यहाँ बात ऑलराउंडर की कर रहे हैं, तो प्रॉपर ऑलराउंडर मतलब आप लगातार ओवर्स भी कराएंगे, और अगर आप ओवर्स करा रहे हैं फिर भी 10 मैचों में 9 विकेट हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सेट बैक होता है। ये हम जानते हैं, हर कंट्री को अपने प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये सबसे बेस्ट है, इमोशंस होते हैं सबके साथ, लेकिन आपको रियल क्रिकेट एज अ रियल क्रिकेट फैन और प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा कि इनके मुकाबले जो बाकी दो टॉप टू में है उनके रिकॉर्ड्स, उनके स्टेट्स, उनके एवरेज, उनके एनालिसिस क्या कहते हैं। टॉप टू प्लेयर आप बहुत इजीली समझ गए हैं कि ओमान से ही है, लेकिन सेकंड नंबर पे कौन है और वन नंबर पे कौन है, यहां से क्लियर कर दिया। बिल्कुल, देखिए सेकंड नंबर पे यहाँ जिशान मकसूद। जी हाँ, 11 मैचों में 250 हमने कहा था, 253 रन पर, ये देखिए यहाँ पे पारस खड़का, हम यही बात कर रहे थे। जी हाँ, 10 मैचों में 9 विकेट पारस खड़का, एग्जैक्टली 11 मैचों में 20 विकेट जिशान मकसूद। आप इससे कंपेयर करिए, आप देख लीजिए यहाँ एवरेज भी और ये भी, क्योंकि ऑलराउंडर में कंपैटिबिलिटी दोनों की बननी चाहिए ना। अगर आप बैटिंग में आपका एवरेज अच्छा है, बॉलिंग में कुछ ज्यादा ही कम है, तो ये नहीं हो सकता। इसीलिए दोनों में जो कंपैटिबिलिटी सही बैठे, इसीलिए ये फिर इससे क्या होता है, यही हो जाता है कि आपको या तो बैटिंग ढंग से नहीं मिलती है या फिर बॉलिंग कराने लग जाते हैं, या बॉलिंग नहीं करवाते बैटिंग में आपको दे दिया जाता है। जी हाँ, तो आपको एनालिसिस के साथ साथ ऑलराउंडर्स का मतलब भी समझना होगा। नंबर वन पे आते हैं, जी हाँ, हमारे हिसाब से इन टॉप फोर के जो फिनर हैं वो हैं आखिर इलियास। इनके रिकॉर्ड्स और सब कुछ, रीजन, मेन रीजन आया। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा रीजन एक तो इनका बैटिंग का जो रहा है एवरेज 70 का, और इनकी जो बॉलिंग एवरेज, देखिए इसे कहते हैं यहाँ संभालना। आप बॉलिंग एवरेज देखिए 12 का और बैटिंग एवरेज 70 का, आउटस्टैंडिंग है यार, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छी। और यूएसए के खिलाफ जहां तक मुझे याद है इन्होंने शतक जड़ा था, बैक टू बैक सेंचुरीज, कोई कहीं आपको शायद ये देखने को, बहुत ही कम वेबसाइटों पे आपको ये रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। लास्ट नाइट हमने भी चेक किया, और हमने एक्चुअली में बहुत पहले ही जब इन्होंने मारा था तभी हमारे जहन में ये था, तब से लेके कि 2 शतक बैक टू बैक और 3 विकेट सेम मैच में लेने वाले ये इकलौते प्लेयर हैं। जी हाँ, कमेंट करिए अगर आपके जहन में कोई आता है, कोई है ऐसा जो हम भूल रहे हैं या रिकॉर्ड टूट चुका है, लेकिन हमारे जहन में ऐसा कोई नहीं है। इकलौते रिकॉर्ड्स आप ठीक से सुन लीजिए, जो भी प्रिंसिपल है, लगातार 2 मैचों में सेंचुरी और साथ साथ में 3-3 विकेट भी। जी हाँ, ये रिकॉर्ड आखिर इलियास के नाम है ओडीआई में, याद रखिएगा ओडीआई में। और रिकॉर्ड्स की सिर्फ बात नहीं है, इनका परफॉर्मेंस, इनका सब कुछ ये बोलता है कि ये पूरी तरह से तीनों को पूरी तरह से पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और ये इस टाइम एसोसिएट देशों में सबसे टॉप ऑलराउंडर हैं आकिब इलियास। जी हाँ, नो डाउट ये सबसे टॉप ऑलराउंडर हैं।
आपके हिसाब से कौन से हो सकते हैं। अगर आपको एनालिसिस हमारे पसंद आई, वीडियो को एक लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप रियल क्रिकेट फैंस हैं और रियल क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। आपके हिसाब से कौन से वो प्लेयर हैं जो सबसे टॉप ऑलराउंडर हो सकते हैं, जो आकिब इलियास को आगे जाके हरा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल तो आप कितने भी स्टेट्स एनालिसिस और एवरेज देख लें, कहीं भी आप चले जाएं, आकिब इलियास को इस वक्त कोई नहीं हरा सकता। अभी तक अगर हम ये डेट देखें, अभी तक इस वक्त सबसे बेस्ट ऑलराउंडर आकिब इलियास ही है आज की तारीख में पूरी तरह से। आगे जाके कौन से वो प्लेयर है जो इन्हें हरा सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर जरूर कमेंट करिए, अपनी राय रखिए, आप अपनी भी राय रखिए कि आप हमसे सहमत नहीं है तो भी रखिए, है तो भी रखिए, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हाजिर होंगे न्यू सेक्शन के साथ, जी हाँ वो न्यू सेक्शन होगा T20 सेक्शन। अब हम शुरू करेंगे T20 में सबसे बेस्ट टॉप 3 बैट्समैन एसोसिएट देशों के, इसके साथ हाजिर होंगे, वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। अगर आपने टॉप 3 ODI बॉलर्स मिस किया है, आई बटन पे वो वीडियो आ रहा है, उसको दोबारा जाके देखिए और फिर इस वीडियो को आके देखिए कैसा लगा हमारा कवरेज और एनालिसिस, जरूर हमें बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, टेक केयर गाइस एंड बाय।